Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to the world of Civil Guruji, the Civil Engineers Training Institute of India. में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ. उसमें बात करेंगे निवान स्ट्रक्चर के बारे में और उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे निवान टेक्नोलॉजी है क्या. निवान एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क सिस्टम है जो सबसे पहले मलेशिया में सन 1990 में निवान कंपनी द्वारा यूज में लाया गया था. अगर आपको घर को निर्माण एक बड़े वॉल्यूम में और तेजी से करना है तो यह वर्क सिस्टम एक नया और इनोवेटिव वर्क सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम बहुत जल्दी रो हाउसेस का बहुत जल्दी घर का निर्माण कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम टेक्निकली बात करें तो निवान स्ट्रक्चर सिस्टम कंटिन्यूस कोर प्रोसेस में वर्क करता है जिसकी हेल्प से हम बहुत कम समय में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस का निर्माण कर सकते हैं. और जब फ्रेमवर्क को रिमूव किया जाता है तो हाई क्वालिटी फिनिश सरफेस आपको मिलती है जिसमें आपको अलग से प्लास्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें इतना हाई क्वालिटी का आपको सरफेस मिलता है जिसकी मदद से आप जिसकी वजह से आपको एक अलग से कोई प्लास्टर कराने की या किसी तरह के अलग से कोई काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें ही इतनी फिनिशिंग आती है जिसमें हम प्लास्टर की जरूरत को नहीं समझते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे आपको फिगर में दिख रहा है किस तरह से अगर आपने निवान शटरिंग देखी है तो किस तरह से वो दिखती है. एल्युमिनियम निवान स्ट्रक्चर किस तरह का शो होता है आपको इस फिगर में दिख रहा है. उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो तीन टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं एक निवान शटरिंग में. सेटिंग अप द वॉल रिइंफोर्सिंग स्टील, उसमें हम बात करेंगे बिल्डिंग को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए फिर उसको कंक्रीट को सपोर्ट करने के लिए जब तक 50% स्ट्रेंथ ना गेन हो जाए तब तक एल्युमिनियम फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर के अराउंड लगाया जाता है. जब तक हमारी 50% स्ट्रेंथ गेन नहीं हो जाती तब तक हम स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें प्लेसमेंट ऑफ एल्युमिनियम फ्रेमवर्क वॉल के अलॉन्ग प्री फैब्रिकेटेड फ्लोर स्लैब एंड रूम साइज वॉल को लगा दिया जाता है. एल्युमिनियम अलॉय स्लैब को बहुत प्रिसाइजली बनाया जाता है और उसको हम बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हैं. इसको इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें विंडो डोर डक के लिए स्पेस बना होता है. डिजाइन के अकॉर्डिंग और कास्ट के होने के बाद इसको हम इजीली डिसमेंटल भी कर सकते हैं. इसके हम बात करेंगे पोरिंग ऑफ कंक्रीट की. फ्रेमवर्क होने के बाद हाई क्वालिटी कंक्रीट को पोर किया जाता है फिर वो वही शेप देता है जैसे आपने कास्ट किया होता है. एल्युमिनियम फ्रेमवर्क को आप 250 टाइम यूज कर सकते हैं. इसका मतलब है ये मिनिमम वेस्टेज को शो करता है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे. इसका हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स के ऊपर. अगर हम बात करें इसकी मेरिट्स में स्पीड की तो अगर हम इसकी कंपेरिजन करते हैं कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक से तो ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है. अगर कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक की बात करें तो उसमें आपकी स्पीड कम होगी लेकिन अगर हम निवान शटरिंग को यूज करेंगे या निवान स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो आपकी काम करने की स्पीड और ज्यादा होगी. डिमांड लेस लेबर. अगर हम बात करें कि आपने सही टेक्निक का यूज किया है सही प्रोसीजर को सेट किया है और सारी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए एक स्किल्ड लेबर से आप काम करवा रहे हैं तो आपका जो काम होगा वो कम लेबरों में और अच्छी तरीके से हो सकता है. सिस्मिक रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल. इस स्ट्रक्चर द्वारा बनाई गई बिल्डिंग जो होती है वो सिस्मिक और रेजिस्टेंट होती है और मोर ड्यूरेबल भी होती है. और इसके बाद अगर हम बात करें इसके मेंटेनेंस की तो अगर आपने सही तरीके से काम किया है और सही तरीके से निवान स्ट्रक्चर को लगाया है तो आपको ज्वाइंट नहीं मिलेंगे जिसकी हेल्प से आपको मेंटेनेंस की जरूरत बहुत कम होती है. वहाँ पे कोई सीपेज की समस्या नहीं आती है वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आती है. तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं अगर आपने निवान स्ट्रक्चर का यूज़ किया है. स्मूथ फिनिश. आपको स्मूथ फिनिश मिलेगी. कोई किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट नहीं आते हैं क्योंकि ये कंक्रीट के कंटिन्यूस पोरिंग प्रोसेस पे पूरा डिपेंड होता है और एक बार में पूरा स्ट्रक्चर कास्ट होता है. अगर इसकी हम कंपेयर करें ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन टेक्निक से तो इसमें आपको हाई कार्पेट एरिया मतलब ज़्यादा कार्पेट एरिया अचीव होगा. इसके हम बात करते हैं इसके डिमेरिट्स की. ये थोड़ा एक्सपेंसिव होती है आपके कन्वेंशनल फ्रेमवर्क से. और हम बात करें इसकी विजिबल फिनिशिंग लाइंस की तो छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स यूज होते हैं जिसकी वजह से आपको कंक्रीट सर्विस पे आपको थोड़े थोड़े स्पैचेस उस पर फिनिशिंग लाइन आप में शो होंगी जो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी अल्ट्रेशन की. अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन के इसमें चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और टिपिकल स्ट्रक्चर होता है. एक बार आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बाद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते.
डिमांड यूनिफॉर्म प्लानिंग, और आपको प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत ही काम कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लानिंग के तहत आप काम नहीं कराएंगे तो आपको इकोनॉमिकली ये स्ट्रक्चर, ये मीमान शटरिंग महंगी पड़ सकती है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं और इसको आप दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।